हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से जॉब नोटिफिकेशन लाया हूँ, ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का 22 से शुरू हो चुका है, ठीक है। और आप लोग 12 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब शुरू हो चुका है इसका ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया लेवल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ऑल इंडिया से कहीं भी है तो और इसको वेबसाइट में जाके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट वगैरह कुछ मेंशन करके रखा हुआ है। पहले आप लोगों को कॉल लेटर दिया जाएगा, उसके बाद डाउनलोड करके आप लोगों को एग्जामिनेशन वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, एज रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा रखा है, एज लिमिट भी अच्छा खासा रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 21 से 30 ईयर्स तक, उसके बाद अलग अलग कास्ट के लिए मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा एक्स्ट्रा। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, इसके लिए PWBD के लिए, ST/ST के लिए 15 ईयर्स, मतलब कैटागरी वाइज हो गई इसमें आप लोगों का, ठीक है। और इसके बाद आता है हम लोग यहाँ पे वैकेंसी, देखो वैकेंसी भी बहुत अच्छा खासा रखा है, ठीक है। रेगुलर वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी, टोटल आप लोगों का जो हो गया वैकेंसी 270 हो गया, ठीक है। तो 270 पुश बहुत अच्छा है, बहुत इसमें अच्छा है। और इसके लिए आप लोगों को जो है अभी हम लोग देखते हैं मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका कोई भी डिसिप्लिन है अगर, तो आपने किसी भी स्ट्रीम में डिसिप्लिन आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोगों का ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, मतलब जो लोग फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर दे रहा है उनको भी ये मौका दिया गया है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो साफ साफ उन्होंने कहे दे है। और कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफाइड सच एस ए मेडिकल इंजीनियरिंग चार्टर अकाउंटेंट कोर्स अकाउंटेंट विल बी ऑल्सो एलिजिबल, ये सब आप लोगों का पोस्ट वगैरह में लग जाएगा, ठीक है, बाद में अगर हो जाएगा तो। और इसका सिलेबस वाला तो देखो आप लोग, यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का टोटल मार्क जो हो गया 80 मार्क होगा, सॉरी 100 मार्क होगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए 30, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के लिए आप लोगों को 35, रीजनिंग के लिए 35, मतलब टोटल 100 मार्क आप लोगों को है, वो सब करना पड़ेगा आंसर। और इसमें आप लोगों को देखो तीनों सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग इसमें बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके इस जॉब को ले सकते हैं, बहुत अच्छा जॉब है, आप सभी को पता है। नियरेस्ट सिटी अपना डिस्ट्रिक्ट सभी में मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोग जल्दी से अप्लाई कीजिएगा अभी।